नमस्कार मेरे मित्रों, मैं हूं तांत्रिक चंदन शास्त्री। आप सभी को मेरे तंत्र मंत्र टोने टोटके चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने जा रहा हूं, अगर खूब पैसा कमाना है, रातों रात अगर अमीर आदमी बनना है, तो आपको चमगादड़ का हड्डी घर के इस जगह पर अगर आप चुपचाप रख देते हैं तो आप बन सकते हैं रातों रात अमीर आदमी। रातों रात करोड़पति बनने का बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक टोटके और बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक प्रयोग मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं। अगर इस प्रयोग को कर लेते हैं तो आपको जो घर में किसी प्रकार की आर्थिक दिक्कत, आर्थिक परेशानियों की सामना नहीं करना पड़ेगा और साथ साथ में आप राजा का जैसा पावर में आप जिंदगी जी सकते हैं। आपके घर में कभी भी धन की, दौलत की कमी नहीं रहेगी और पैसा आप धुन करके कमाने लगिएगा। ये बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही पावरफुल तांत्रिक टोटके मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर ये टोटके को कर दिए तो लक्ष्मी को पूरी तरह से आप बांध सकते हैं, माता लक्ष्मी को कृपा को आप छीन सकते हैं। ये बहुत ही ताकतवर और बहुत ही शक्तिशाली टोटके और धन प्राप्ति के टोटके मैं बताने जा रहा हूं। आप मेरे वीडियो पर आखिरी तक बने रहे, वीडियो में एक लाइक अवश्य कर दे, कमेंट बॉक्स पर जा करके जय मां लक्ष्मी जरूर लिखे, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी परिवार पर बना रहे। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं। मित्रों, इसे करना कैसे है, आखिर चमगादड़ को किस तरह का प्रयोग करना है, उसकी हड्डी को किस तरह का प्रयोग करना है, ताकि उस हड्डी को घर के इस जगह अगर छुपा करके रख देते हैं तो आप रातों रात मालामाल हो सकते हैं और आपके घर में धन की कभी कमी नहीं रख सकते हैं। ये प्रयोग जितने भी लोग किया है, भिखारी भी अमीर बनने को देरी नहीं लगा है। जो भिखारी थे वो भी इस प्रयोग को करके वो अमीर आदमी बन चुके हैं। आखिर इस प्रयोग को कैसे करना है तो आपको सारे विधि मैं बताने जा रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए होंगे या मेरे वीडियो में पहली बार आए होंगे तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके काला कर दे और बगल में बेल घंटी को भी जरूर प्रेस कर दे, ताकि सर्वप्रथम आप हमारे सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो मित्रों, आइए मैं उसकी विधि बताने जा रहा हूं, उसे आपको कैसे करना है। मित्रों, आपको करना है एक चमगादड़ को कहीं से भी आपको पकड़ कर लाना है। ये मैं दो तरीका बताऊंगा, दोनों में से जो भी आपका सुविधा लगे उस चीज को आप कर सकते हैं। एकदम बिल्कुल आसान और बिल्कुल साधारण तरीका मैं बताने जा रहा हूं। आपको तीन दिन तक एक चमगादड़ को पकड़ करके लाना है और उसे पिंजरा में भर के आपको तीन दिन और तीन रात तक रखना है। उसको खाना पानी, दाना पानी जो देना है उसको दे दीजिए। तीन रात आपको अपने घर में उसको रखना है। उसके बाद आप शनिवार के दिन में या अमावस्या के रात में, शनिवार के दिन या अमावस्या की रात में 10 बजे के बाद उस चमगादड़ पर फूल वगैरह चढ़ा करके पूजा कर लीजिएगा और मन मन में बोलिएगा कि हम आप जो है हमें घर में लक्ष्मी की बरकत दीजिए और हमारे घर में लक्ष्मी से पूरी तरह से भरा हुआ रहे, हमें धन की प्राप्ति हो, हमें धन के कभी कमी नहीं होना पड़े। तो ये बोलते हुए आप उस चमगादड़ पर फूल चढ़ाना है। कुछ सामने में आपको धूप दीप जला लीजिएगा और चमगादड़ को लाल सिंदूर और सरसों का तेल में लपेट करके वो पूरी तरह से चमगादड़ को आपको लगाना है। लगाने के बाद में आपको उस चमगादड़ को बाएं हाथ से एक चोट में उसको मार देना है, जैसे वो चमगादड़ मर जाए। मरने के बाद आप उस चमगादड़ को ले जा करके किसी भी जमीन में उसको दफन कर दीजिए। कहीं भी फांका जगह पर आप उसको दफन कर देना है। दफन करने के बाद तीन दिन के बाद में उस जमीन से फिर चमगादड़ को निकाल करके उसकी हड्डी का टुकड़ा को लेकर के आइए और उस हड्डी का टुकड़ा को ला करके आप अपने घर में, आप अपने लॉकर में
या आपका दराज या आपके ऑफिस प्रतिष्ठान कार्यालय के जो भी आपका जहां पैसा रखते हैं, चुपके से आप उस जगह पर उस चीज को आप रख दीजिए, हड्डी को, या आप अपना पर्स में भी रख सकते हैं। तो जब तक ये चीज आपके पास में रहेगी, आपके पास में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी और अकस्मात धन की प्राप्ति होते रहेगी और कुछ ही दिन में आप बन जाएंगे धनवान और अरबपति। दूसरा उपाय यह है कि आपको जिस पेड़ में चमगादड़ ज्यादा रहता है, देखिएगा शाम के समय में कौन सा पेड़ में आपको चमगादड़ है, आप थोड़ा सा ध्यान करके आप पूरी तरह से इसको खोज लीजिएगा, चाहे उस पेड़ में आपको आम का भी हो, चाहे अमरूद का हो, चाहे पीपल का हो, चाहे किसी भी पेड़ का, उस पेड़ में चमगादड़ होना चाहिए। और उस पेड़ को जब देखे चमगादड़ है तो आपको एक काम करना है कि शनिवार के दिन में सुबह सुबह एक लोटा जल में थोड़ा सा अक्षत मौली लाल सूता उसमें डाल करके और सिंदूर डाल करके आपको वहां न्योता देना, निमंत्रण देना है, बोलना है कि आपको मेरे साथ चलना है और हमें जो है आर्थिक कमी को दूर करना है, हमें आर्थिक समृद्धि से मजबूत करे, इसीलिए आपको मैं लेकर के जा रहा हूं। बस ये चीज बोल करके उस जल को वहां ढालना है और उस पेड़ का डाली को काट करके आप ले आइए और ले आ करके घर के चारों दिशाओं पर थोड़ा थोड़ा सफेद सूता कपड़ा से बांध करके आपको लगा देना है और थोड़ा सा आप अपने लॉकर में डाल लीजिए, थोड़ा सा जेब का पर्स में रख लीजिए, बस इतना कर दीजिए तो आपके घर में धन की कभी कमी नहीं रहेगी, पैसों की बारिश होने लगेगी। ये बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही तांत्रिक प्रयोग और तांत्रिक टोटके मैं आपको बताया हूं, इसे आप प्रयोग करें, आपके पास में पैसा का कभी कमी नहीं रहेगी, आप हो जाएंगे अमीर आदमी। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप मेरे सभी बातों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, फिर भी किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पर जा करके कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी आशा और उम्मीद के साथ फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय माँ तारा। हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दें ताकि सर्वप्रथम आप हमारे सारे वीडियो को देख सकते हैं। हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के